चुनाचे जरई जमीनों पर वहां के किसानों से मुलाकात भी हो गई, मगर हिकमत यार से अभी तक कोई पैगाम नहीं मिला। और जब मैंने देखा कि वक्त गुजरता जा रहा है, तब मैंने पिशावर जाने का अज़्म किया। मेडिकल सेंटर से हम सुबह 10 बजे निकल चुके थे। अभी हमने रास्ते का 5 घंटा ही तय किया था कि पीछे से एक गाड़ी को आते देखा जो शायद हमसे मिलना चाहते थे। हमें उसका पता इस तरह से लगा जब पिछली गाड़ी ने लाइटें मारना शुरू की। तब हमने एक तरफ गाड़ी खड़ी की और पिछली गाड़ी भी आ पहुंची। इसमें दीगर अफराद के साथ एक फर्द था जिसमें बखूबी जानता था, और वो थे इंजीनियर सिद्दीक, जो हिजबे इस्लामी की अहम शख्सियात में से शुमार होते थे। बेदार मगज और तवाना इंसान जिस पर हिकमत यार बहुत से मसाइल में एतमाद करते हैं। इंजीनियर सिद्दीक को 12 साल उलचरखी जेल में पाबंदे सलासिल रखा गया था। कलानुमा जेल खास तौर पर सियासी कैदियों के लिए थी। इंजीनियर सिद्दीक ने इन 12 सालों से 9 साल इसी जेल में कैद तन्हाई जैसा अजियतनाक अजाब झेला है, और मेरी उससे मुलाकात 1 साल पेशतर रिहा होकर आए हैं। इस तवील सालों के बाद भी मैंने उनकी स्याह रीश में कोई सफेद बाल नहीं देखा, गोया वो किसी जेल में गए ही नहीं। वो बड़ी बागोबहार शख्सियत हैं जिनमें जिहाद की रूह अपने आला मदारिज के साथ समोई है। इंजीनियर सिद्दीक ने मुझे एक तरफ कान में सरगोशी की कि वायरलेस पर हिकमत यार का पैगाम आया कि अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो आ जाओ, वो फलां जगह पर हैं। मैंने पूछा कहाँ? उन्होंने कहा मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, अलबत्ता हिकमत यार ने कहा है कि आप उनसे मिलेंगे तो जो पाएंगे उससे खुश हो जाएंगे। फिर मैंने दोबारा अपने साथियों से मशवरा किया और बताया कि पैगाम आया है। तब सब ने इत्तफाक किया कि हिकमत यार से मिलना चाहिए। हम वापस अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए और उसी मरकज वापस पहुंचे जहां कल आकर ठहरे थे। उसी वक्त एक वायरलेस कॉल पर आई जिसमें मैंने अंदाजा लगाया कि हमें हिकमत यार तक पहुंचने के लिए 7 घंटों का वक्त दरकार है। मरकज पहुंचे तो 12 बज चुके थे। ये वक्त अफगानों के खाने का होता है। तब सब ने दोपहर का खाना खाया, चाय पी और नमाज जोहर अदा की। अफगानी खाना जोहर से पहले और चाय नमाज के बाद पीते हैं, उनकी आदत यही है। नमाज जोहर व असर ताखीर से पढ़ते हैं। नमाज जोहर से फारिग हुए तो 2:15 हुए थे, और इसका मतलब यह था कि अगर हम हिकमत यार से मुलाकात के लिए चलते तो रास्ते में हमें रात हो जानी थी। और ये तो महज वाहमा होता अगर रास्ते के पेचोखम को नजरअंदाज करके रवाना हो जाते। हालांकि ये रास्ता मैंने खूब देखा हुआ था। यहाँ वादियों में जगह जगह नदी नालों का सामना करना पड़ता, और साथ इसके पहाड़ों पर पड़ी बर्फबारी जिससे रास्तों का मसदूद हो जाना भी यकीनी था। मगर इन सब के बावजूद भी हम 3:45 पर रवाना हुए, क्योंकि मैं जानता था कि अफगानों के नजदीक वक्त की कोई अहमियत नहीं है। हम अपनी गाड़ी में सवार न हुए बल्कि हिज्ब की हाइलेक्स गाड़ी में बैठे। मेरे साथ जमाल खाशगी और खालिद अल ममूदी और अफगानी ड्राइवर भी था। हमारे साथ ही 3 मजीद गाड़ियां रवाना हुई, क्योंकि अफगानिस्तान में बगैर हिफाजत के गाड़ियों का सफर नहीं हो सकता, या बगैर असलहे के किसी फर्द का आना जाना नामुमकिन होता है। एक गाड़ी में 2 अरब मुजाहिदीन थे जो करीबी हिज्ब के मरकज से आए थे, और उन्होंने इंजीनियर सिद्दीक से हिकमत यार को मिलने की इजाजत ले रखी थी। बकिया 2 गाड़ियों में अफगान मुसल्ला गार्ड सवार थे ताकि किसी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए बंदोबस्त हो सके। हम काबुल के जुनूब में सूबा लोगर के शहर सुरखाब की तरफ बढ़ रहे थे जो 5 किलोमीटर पर है। ये तमाम इलाका हिज्ब के कंट्रोल में है। हमने वो पहाड़ी इलाका भी पार कर लिया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हद फासिल है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो गया था। मौसम इंतहाई सर्द था और चोटियों पर बर्फ बदस्तूर मौजूद थी। नाले पानी से भरे पड़े थे। बाज जगहों पर कीचड़ होने की वजह से चलना दुश्वार हो जाता था। चुनाचे हम पहाड़ की एक हमवार चोटी पर उतरे और नमाज मगरिब अदा करने के बाद चारों नाचार सफर दोबारा शुरू किया। मैंने तमाम रास्ते में पहाड़ों में हिजबे इस्लामी के मोर्चे बने हुए देखे जो मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इकसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। हीनो तर्ज की बसें और ट्रक काफिलों की शक्ल में बहुत से लोगों को उठाए और सामान खुरोनोश के साथ आ जा रहे थे, और बाज खाली भी थे। इससे मालूम हुआ कि अफगान महज अस्करी कुव्वत ही नहीं बल्कि नज्म व नसक का बेहतरीन तजर्बा भी रखते हैं। हालांकि ये चीज जिहाद के शुरू में हुआ करती है, मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ ये सियासी और इबलागी तौर पर तरक्की करता गया, और जो बड़े बड़े ट्रक हिज्ब के मुजाहिदीन और इमदाद वगैरह को लेकर लोगर की तरफ आते जाते नजर आ रहे थे, वो हिज्ब की सफों में एक हल्की फुल्की हिजरत का नक्शा पेश कर रहे थे। मगर इसकी असल सूरत हाल आज वक्त जहर मेरे ऊपर आश्कार हुई,
जब स्पर्शगा मुजाहिदीन से खाली हुआ क्योंकि हिजब इस्लामी के मुख्तलिफ इलाकों के मोर्चा बंद, मुजाहिदीन अपने मकामात छोड़कर काबुल की तरफ रवाना हो रहे थे। यहां तक कि हिजब पे तलबा पढ़ने वाले शमशु के तलबा भी हिजब के पश्तीबान बनने के लिए काबुल के गिर्द पहुंच रहे थे। अपने सफर पर काफिला रवानदवा था कि जो खतरा मुझे लाहिक था वही हुआ कि रास्ते में बाज़ गाड़ियां नदी नालों से गुजरने की वजह से खराब हो गईं और उनको दुरुस्त करने में जब 2 घंटे लग गए। हमने इन गाड़ियों को ड्राइवरों समेत वहां छोड़कर अपनी राह ली। एक यही रुकावट तो न थी, आगे चलकर एक ट्रक फिसलकर सड़क के सामने दरमियान में फंस गया। उसको हटाने के लिए दूसरे ट्रक की मदद ली गई, इसमें भी 1 घंटा सर्फ हो गया। जब हम दुबंदी पहुंचे तो घड़ियां रात के 3 बजा रही थी। यहां पहुंचकर इंजीनियर सिद्दीक ने कहा कि बकिया रात में हम यहीं क्याम कर लेते हैं। मुझे हिकमतयार साहिब के हतमी मकाम का इल्म नहीं है। दुबंदी का इलाका मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था क्योंकि मैं 8 माह पहले मौसम गर्मा में यहाँ आया था। इसका मुझे भी बखूबी इल्म था कि यह इलाका जबरदस्त मोर्चा बंद किया हुआ था, कि यहाँ जहाज मुसलसल निगरानी किया करते थे। दुबंदी पहाड़ों के दरमियान वाक़े है, जिसे हिजब इस्लामी ने अपने लिए मरकज और गोदाम बना रखा है। यहाँ मुजाहिदीन असलहे के हमरा जखायर और जरूरियात जिंदगी की चीजों को जखीरा करते हैं। इन पहाड़ों के गार रिहायशी यूनिट बना दिए गए हैं। हमें भी इन गारों में एक रात गुजारना थी। रात का खाना भी यहीं खाया, सादा चावल थे, कोई और चीज न थी। खाने के बाद हमने नमाज इशा पढ़ी और हम सो गए हिकमत यार के साथ। 5वां दिन जुमेरात 20 शव्वाल 1412 हिजरी 23 अप्रैल 1992 ईस्वी। नमाज फजर के फौरन बाद इंजीनियर सिद्दीक दोबंदी से रवाना हुए ताकि हिकमत यार साहिब का पता चल सके कि वो कहाँ हैं। मैंने सिद्दीक को ताकीद से कह दिया कि वो 12 बजे दोपहर से हरगिज लेट ना हो, खा उनका पता चलता है या नहीं। अभी उन्हें गए हुए 1.5 घंटा ही गुजरा था कि वापस इस खबर के साथ आए कि हिकमत यार साहिब इस वक्त सुरखाब में हमारे मुंतजर हैं। चुनाचे हम अपनी अपनी सामान से लदी हुई गाड़ियों में रवाना हुए। आमतौर पर मेरे साथ 2 बैग्स होते हैं, एक में फोटोग्राफी के आलात होते हैं, दूसरे में कपड़े और दीगर अशिया जिनमें रेडियो, टॉर्च, बैटरी, तौलिया, साबुन और छोटा टेप रिकॉर्डर जिसके साथ कुरान मजीद की कैसेट होती है जो हम गाड़ी में दौरान सफर सुनते रहते हैं। नीज एक अदद कॉपी और कुरान मजीद का नुस्खा जेब में रहता है। कुरान करीम का नुस्खा उन चीज़ों में से है जो वहाँ हमें नहीं मिलती, क्योंकि मुजाहिदीन अपना नुस्खा अपनी जेब में रखते हैं और किसी को नहीं देते। अगर बिलफर्ज किसी को दे भी दें तो वो फौरन वापस ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह असलहे के बारे में मैं बता चुका हूं कि इन इलाकों में इस हवाले से गफलत नहीं बरती जा सकती। हम वादी सुरखाब पहुंचे जो अपने दामन में फलों के हरे भरे बागात लिए हुए है। यहाँ ज्यादातर अखरोट, अंगूर और खुबानी के दरख्त मिलेंगे। इसी वादी में हिकमत यार एक घर में मरकज है जहाँ वो खुद रहते हैं और दीगर कायदीन हिजब के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इस घर को अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि पहले भी इस घर में आकर रहा हूं। इस घर को गिर्द से दीगर घरों ने इहाता किया हुआ है मगर जरा फासलों पर है। दाखिल होते ही खुला सहन है, इसके अतराफ में कमरे बने हुए हैं। इस घर के 2 दरवाजे हैं, एक अफराद के आने जाने के लिए और दूसरा गाड़ियों के लिए है। इसके साथ एक दरवाजा ऊपर चौकी के पास है जहाँ बॉडी गार्ड हर वक्त होते हैं। इस घर के कमरे चिकनी मट्टी से बनाए गए हैं जो इसके शिमाल और मशरक में है। 5 अदद कमरे हैं, एक और छोटा सा जुनूब की तरफ कमरा है। बावर्ची खाने और खादमीन की रिहाइश के लिए यह इस्तेमाल होता है। जुनूब मशरक के हिस्से में बैतुल खला है। हम वहां पहुंचे तो मरकज में दाखिल होते ही दाएं कमरे में वायरलेस सिस्टम रखा हुआ था। उसकी खिड़कियां मगरिब की जानिब खुलती थीं। पहले हुजरे के साथ ही दूसरा और तीसरा बॉडीगार्ड्स का एक कमरा था जो मशरक और शिमाल मशरक के हिस्से में वाक़े है। 4था हुजरा इंजीनियर हिकमत यार का था जिसके जुनूब में सहन है और खुद जानिब शिमाल है। 5वां हुजरा भी बॉडीगार्ड्स का है। हमारे पहुंचने पर वहां मरकज के सहन में मगरबी हिस्से में गाड़ियां एक सफ में खड़ी देखी। घर में ना औरतें हैं ना बच्चे। हिकमत यार की पहली बीवी अपना ज्यादातर वक्त स्पना शगा में गुजारती है जबकि दूसरी अहलिया जवान जो उनके शहीद भाई की बेवा हैं वो पिशावर में रहती हैं। उनकी बेटियां भी स्पना शगा में हैं और बाज़ पिशावर में होती हैं। उनके दामाद भी हिजब के अहम अरकान में से हैं। उनकी जिम्मेदारियां हिजब में मारूफ हैं, जैसे डॉक्टर गैरत बहेर हैं जो हिकमत यार के दाएं बाजू और आजकल रियाज में सियासी कमेटी के मुंतजिम हैं। वो अंग्रेजी और अरबी जबान पर खासी महारत रखते हैं। वो हिजब में अपना सियासी मकाम भी रखते हैं, साथ ही हिकमत यार के मुशीर भी हैं जैसे हाजी जरेर। हम जब घर में दाखिल हुए तो दोपहर के 1 बजे थे और हम उस दिन पहले अफराद थे जो उस दिन में हिकमत यार से मिलने आए।
हम हिकमतयार के खास कमरे में बैठ गए जबकि वो वायरलेस रूम में थे। आध घंटा इंतजार के बाद वो कमरे में दाखिल हुए। उस वक्त तक हमने सिलसिला कलाम की तरतीब तय कर ली थी कि इब्तदा जमाल खाशुगी से इंटरव्यू करेंगे, फिर हम टेप रिकॉर्डर के साथ आज़ादी से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाहता था ना वो रिकॉर्ड हों और ना उनका पता चले। जनाब हिकमतयार का बकिया साथियों से तारुफ करवाने के बाद हमने एक तजवीज रखी जिस पर कोई मुमानियत नहीं। हिकमतयार साहिब से मिलने की मेरी क्या वजह रही और वो कौन सी खास मुहिम थी जिसके लिए मैं ये सब कोशिश कर रहा था? कायदीन जिहाद से बराह रास्त वो सही मौकिफ मालूम कर सकूं जो ताहाल मेरी नजरों से ओझल था, और ये जानना भी शामिल था कि क्या हिजब का नई हुकूमत के क्याम के लिए और शराकत के लिए अपने खास मौकिफ से दस्तबरदार होने का इम्कान है। यही वो मुहिम थी जिसके लिए मैं हिकमतयार साहिब से मिलने के लिए अफगानिस्तान चला आया। मेरी इस राय से बहुत मुख्तलिफ राय ब्रादर वायल जलीदान की थी कि हिकमतयार और मसूद कम अज कम एक बार वायरलेस पर जरूर मुजाकरात कराएं, मगर मेरा मौकिफ था कि महज वायरलेस पर बातचीत नतीजा खेज नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कबल भी यही होता रहा कि हर फरीक ने अपना मौकिफ दोहराया। जब सामने कोई लाहे अमल ना हुआ तो इत्तेफाक नामुमकिन होता है। जुमेरात की सुबह को हमारे सुरखाब पहुंचने तक मसला अफगानिस्तान एक वाज़ेह सूरत हाल के साथ सामने आ गया था। हिकमतयार एक तरफ और बकिया अफगान क़यादत दूसरी तरफ थी। पिशावर में मुजाकरात किसी करवट बैठने को थे ना इस वक्त हिकमतयार ने कम्युनिस्ट हुकूमत को खबरदार किया था कि वो काबुल में हथियार फेंक दे और डेडलाइन हफ्ता 22 शव्वाल बमुताबिक 25 अप्रैल की दे दी। अफगान कजिए के हल के लिए हिजब इस्लामी ने तीन वाजे और जामे निकात पेश किए जो कि आबे जर से लिखने के काबिल हैं। अव्वल, मुल्क की क्यादत रब्बानी साहिब संभालें। दुवम, वजारत उज़्मा हिजब इस्लामी को बगैर किसी तहदीद फर्द के हवाले की जाए, वो खुद मुकर्रर करें। मुल्की इंतखाबात 6 माह बाद मुनक्किद किए जाएं और आखिरी 6 माह में मरकज़े शूरा का क़याम अमल में आए। इस तरह एक साल की मुद्दत में हिकमत और शूरा इंतखाबात के जरिए कायम हो जाएगी। ये निकात इस मसले के हल में कोई नए न थे, बल्कि हिजब इस्लामी ने बारहा इस पर इसरार किया था कि मुल्क को चलाने के लिए खुद मुख्तार इदारे कायम हों जिनके जरिए इंतखाबात अमल में लाए जाएं। क्योंकि हिजब इस्लामी और जिसके सरबरा जमीलुर रहमान थे, उन्होंने ये तजर्बा कंट्रोल कर लिया जिसके इंतखाबात के बाद एक इस्लामी हुकूमत चंद माह में ही कायम हो गई थी। ये मुतालबा हिजब इस्लामी का था जो उस वक्त भी पूरे जोरों शोर के साथ रहा जब मुजाहिदीन की इज्तमाई शूरा ने उबूरी अफगान हुकूमत का फैसला रावलपिंडी में 1989 को किया, जिसमें सदारत सिबगतुल्ला मुजद्दी को सौंपी गई थी। इस शुराई इजलास में हिजब ने यह शर्त रखी थी कि इस उबूरी हुकूमत का पहला काम मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद करना है ताकि मुस्तहकम हुकूमत कायम हो सके। हिजब इस्लामी का इसरार इंतखाबात पर रहा जिससे पुरअमन हुकूमत कायम की जा सकती है, मगर इसी तरीक़ेकार से तनजीमों को इख्तलाफ रहा। हिजब इस्लामी की यही शर्त थी जिस पर कारबंद ना रहकर उबूरी हुकूमत अंजाम को पहुंची कि मुतादिद तनजीमों ने अलहदा तौर पर नजीब की हुकूमत को काबुल में गिराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसे दाखिली इनकलाब लाना कहा जा सकता है। हिजब के इसरार पर बहसो जदाल से इख्तलाफ इन तनजीमों में बाहम बढ़ता गया। अप्रैल बरोज जुमेरात को हिकमतयार के वहां से वापस आने तक फजा खासी गर्म हो गई थी। मेरे लिए हिजब का ये मौकिफ वाज़े था कि अफगानिस्तान में इंतखाबात से हुकूमत चलाने के लिए असास की दागबेल डाल दी जाए ताकि इन आमिराना असालीब का सद्देबाब हो सके जो जिहाद से कबल यहाँ पे लाए गए थे। जनाब हिकमतयार की ये भरपूर कोशिश थी कि कबाइल ऐयान की मजलिस लोई जर्गी को मनसूख कर दिया जाए। इससे मुकाबिल जिहादी तनजीमें आनी चाहिए जिनका जिहाद अफगानिस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा है और जिन्होंने लोई जर्गे जैसी पंचायतों की जगह ले ली है, और साथ ही जिहाद तनजीमों ने कबाइली जर्गों को एक हद तक पसे पर्दा कर दिया था जिनका जिहाद में हिस्सा आटे में नमक के बराबर था, जैसे मुजद्दी वगैरह। इसी तरह दीगर कबाइल के सरबराहान भी आउट हो गए थे। जहां से पहले की तरह फातह पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि अफगानिस्तान में लोई जरगा उस वक्त बुलाया जाता था जब वहां खतरा दरपेश होता कि इस मजलिस में बाहमी गुफ्तगुशुनीद और मशवरे के बाद एक हल वक्त के सरबरा को भेज दिया जाता। यूं कबायली सरदारों का ममलकत के उमूर में बड़ा अमल दखल और वजन होता था। अगर हम इसी लोई जरगे के निज़ाम को ममलकत में बुनियाद बना दें और इसी हुकूमत अफगानिस्तान को ये बाद में चलाया जाता है, तो इसके साफ मानी यही हुए कि जिहाद अफगानिस्तान में अहम किरदार अदा करने वाली तनजीमों को दीवार के साथ लगा दिया गया है और उनकी अजीम जिद्दोजहद को यकसर फरामोश कर दिया गया है।
जबकि इन जिहादी तंजीमों के सरबराहों में कोई भी कबल अजी किसी कबीले का सरदार नहीं रहा और ना ही इसका नुमाइंदा था। इस तरह जमाम हुकूमत दोबारा उनके हाथों में चली जाएगी, जिनका जिहाद में बहुत कम या ना होने के बराबर हिस्सा है। अब जबकि अफगानिस्तान में आबादी और रकबे के लिहाज से हिजबे इस्लामी सबसे ज्यादा बड़ी तंजीम उभर कर सामने आई है, तो इंतखाबात ही अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में इसका पलड़ा भारी रखने के जामिन है, क्योंकि हिजबे इस्लामी की अहमियत और किरदार को किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद हिकमत यार ने बार बार हिजबे इस्लामी को अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए पेश किया। मुजाहिदीन की किसी भी हुकूमत में जो काबुल में इंतखाबात के जरिए इक्तदार में आए, उसी के साथ वो इस हुकूमत को मुस्तरद भी करते हैं जो इंतखाबात के बगैर उन पर ठोंसी जाए। हिजबे इस्लामी और जमीयत इस्लामी के इस नुक्ते पर मवाफकत के मानी होते हैं कि दीगर अफगान जिहादी तंजीमों को कमजोर कॉर्नर किया जाए, जिसकी अफरादी कुव्वत और रकबे का कंट्रोल कम है। हिजबे इस्लामी को जिम्मेदार समझते हैं कि यही वो मरकजी सबब है जिसकी बुनियाद पर दीगर अफगान तंजीमें इंतखाबात के इनेकाद पर मोतरिज हैं, और उनका इसरार है कि वो ऐसी मुश्तरका हुकूमत को कबूल करेंगे जिसमें तमाम अफगान तंजीमों में वजारतें बराबर बराबर तकसीम की जाएं। किसी इत्तेफाक पर पहुंचने के लिए हिजब इन तंजीमों के हक में बाज वजारतों से भी दस्तबरदार होने को तैयार है, जिन्होंने जिहाद में कोई खास किरदार अदा नहीं किया। तो ला महाला हमें जवाब यही मिलता है कि वो मजलिस कबाइलो एयान चाहते हैं, यानी लोई जरगा। यही जरगा या मजलिस सरबराह हुकूमत नामजद करे और सरबराह ममलकत का इंतखाब मुनक्किद कराए। जबकि रब्बानी के नज़दीक भी इंतखाबात के इनेकाद के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हिजब इख्तलाफ उनका हिजब से फकत मुद्दत का तायुन है। हिजब जल्द इनेकाद चाहती है, जबकि रब्बानी इसे मौखर करना चाहते हैं। उनके अलावा दीगर तंजीमें जैसे मुजद्दी, गीलानी और मोहम्मद नबी की हैं, वो इन मसाइल से नहीं उलझते। वो मलिक जाहिर शाह की अफगानिस्तान वापसी को तरजीह देते हैं ताकि लोई जरगा वजूद में आए और इसकी नई हुकूमत को इख्तियार सौंपे। अगर ताबीर की गलती ना हो तो तमाम मुख्तलिफ तंजीमों की आरा के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसके करीब अगर कोई तंजीमें हैं तो वो दो हैं, एक जमीयत इस्लामी रब्बानी और दूसरी हिजब इस्लामी, जो कि हिकमत यार की हैं। बकिया महज बाहमी नफरत के बलबूते पर चल रही हैं। हिजब जो हल पेश करती है कि 6 माह के अंदर इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएं, कि ये वक्फा मुजाहिदीन को तमाम मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बहुत अहम है, जबकि अफगान अवाम को आज़ादाना राय देने के लिए भी काफ़ी है। और अगर मुद्दत ज़्यादा तवील कर दी जाए, जैसे शेख रब्बानी तजवीज़ करते हैं, तो ये तवील वक्फा मगरबी ममालिक और अमरीका के साथ साथ शिया तबके को भी उमूर ममलिकत में रीशा दवानियाँ बढ़ाने के लिए मिल जाएगा, जिससे वो मुनसिफाना इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। अगर ये वक्फा मुख्तसर रखा जाए तो इन साजिशी अनासिर को वक्त नहीं मिलेगा। ये वो मुस्बत नुक्ता है जो हिजब पेश करती है कि इंतखाबात कलील मुद्दत में करवाए जाएं। मेरा भी इस सिलसिले में यही मौकिफ है, जो फिल हकीकत मेरा शख्सी और जाती मौकिफ है। इसमें हिकमत यार को शुमार ना किया जाए। 14 साल के तवील अरसे के जिहाद से हिजब का वजन या पलड़ा भारी हुआ है। अब वो नहीं चाहती कि ये वजन किसी तौर पर कम होता जाए, बावजूद इसके कि इसे तामीर अफगानिस्तान के लिए माली मुआवनत भी हासिल है। बाला ज़ियाफ़त वो तंजीमें जिन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया है, खासकर दाएं बाजू की तंजीमें हिजबे इस्लामी, जमीयत इत्तेहादे इस्लामी और हिजबे इस्लामी यूनुस खालिस को अपने मौकिफ की तशहीर गैर मुल्की कंपनियों से इफहाम तफहीम में मुश्किल जरूर पेश आएगी, जो अफगानिस्तान की तामीर नो के लिए तआवुन करना चाहती हैं। इन चारों अफगान तंजीमों के माबैन यही वो बुनियादी इख्तलाफ था जो उभर कर सामने आया। इनके माबैन ताल्लुकात वो ना रहे जो होने चाहिए थे। इसका नतीजा था कि मुजद्दी को रावलपिंडी के इज्तमाई शूरा में ममलकत अफगानिस्तान का सदर बना दिया गया। इस पर मुस्तजाद वो जो आइंदा आने वाले दिनों में इसी सबब की वजह से जाहिर होंगे। आखिर वो क्या चीज़ थी जो हिकमत यार के फौरन पिशावर छोड़कर अफगानिस्तान जाने का सबब बनी? सबब वो थे जो मसूद और मलेशिया के साथ एक जानब और दूसरी जानब शिया तंजीमों और मसूद के साथ अमल में आए थे, जिसने तस्वीर का रुख तब्दील किया और हिजब को एहसास हुआ कि मसूद इस माहदे के जरिए तन्हा काबुल में शिमाल की जानब बरास्ता चारिकार दाखिल होने के लिए पेशकदमी कर चुका है। अफगानिस्तान में दाखिला सिर्फ मसूद के हाथों वाकई पजीर होगा, जो हिजब के लिए कम अज कम नाकाबिल कबूल, और यहाँ से तरफैन की जानब से काबुल में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई। लेकिन अब एक अहम मामला था जो जहनों में उठ रहा था कि क्या हुकूमत तश्कील देने के बाद भी किसी हल तक रसाई मुमकिन थी, और दो मलेशिया के साथ मिलकर
बाहमी माहदे की जल्दबाजी वो ना करता। मेरे ख्याल में जो लोग अफगानों को अच्छी तरह जानते हैं उन्हें खूब मालूम होगा कि मुज़ाकरात गुफ्तगुशुनीद को बहुत तूल देने वाले हैं, जिनके नज़दीक वक्त की अहमियत नहीं है।